कोरोना वायरस प्रकोप अभी तक सारे विश्व ने जान लिया है। भारत में भी अब कोरोना ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया। नागपुर शहर में भी अब कोरोना बाधित की संख्या 4 से 5 हो गई है। ऐसे में नागपुर महानगर पालिका की ओर से कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए शहर में जांच अभियान शुरू कर दिया है। अभी तक शहर के 60,000 से भी ज्यादा लोगों की जांच हो गई है। इस बात की जानकारी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने दी। उन्होंने बताया कि शहर के जो भी पेशेंट पॉजिटिव मिले उनके निवास स्थान से 3 किलोमीटर तक के सभी घरों की जांच की जा रही है। साथ ही मनपा का लक्ष्य है कि शहर के सभी लोगों की जाँच की जाए। ये हमने ऑलरेडी सोचा है और उसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ काम किया है। जो रस्ते पे लोग है, जो बेघर है, जिनको किसी का सहारा नहीं है, इन सब लोगों को हम हमारे जो होम सेल्टर्स है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब तक हमने 300 लोग के आसपास अभी ऐसे हमारे जो 7 सेल्टर्स है वहाँ पे शिफ्ट किए हैं। वहाँ उनका हेल्थ चेकअप हुआ है। हेल्थ चेकअप के साथ उनको ये जो कोरोना है उसके बारे में मालूम दी गई है, हाथ कैसे धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखना है, ये भी हमने दिया है। और NGO का साथ लेते हुए उनको खाना भी हम दे रहे हैं। तो खाते समय 3 मीटर 1 से 1.5 मीटर का डिस्टेंस रख के उनको खाना दे रहे हैं। तो उनका जो रास्ते पर रह रहे जो भूखे हैं उनका उनके ऊपर कोई भी नौबत ना आए, वो भूखे न रहे और ये रास्ते पे न रहे, इसके भी हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए 300 से ज़्यादा ऑलरेडी हमारे लोगों ने समाज कल्याण विभाग ने इन लोगों को शिफ्ट कर दिया है। बाकी के भी जो भी लोग हैं उनको भी हम शिफ्ट कर रहे हैं और उनको खाने का प्रबंध भी कर रहे हैं। NGO और कुछ जो फिलान्थ्रोपिस्ट लोग हैं, कॉमन लोग हैं, वो भी आके वहाँ उनकी मदद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये नौबत उन पे नहीं आएगी। ये भी हम कॉरपोरेशन की तरह और नागरिकों की तरह से ये मदद करके उनको जो बेसिक अमेनिटीज़ है वो हमारा फूड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा सप्लाई ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उस पर निगरानी रखे हुए है। ऐसा कोई काला बाजार की केस अभी तक नागपुर में आगे नहीं आई है। हम ये भी बोल देते हैं कि जो एसेंशियल चीज़ें की मार्केट है वो खुली रहेगी, इसीलिए कि इसको होल्डिंग करने की 15 दिन की 1 महीने की ज़रूरत नहीं है। जब भी लगे तब आप परचेस कीजिए, आप लेके घर पे खाइए। जब भी ख़त्म होता है आपको एक्सेस दिया जाएगा। इसीलिए ज़्यादा परचेस करके घर में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो एसेंशियल फूड्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मेडिसिंस है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। वैसे ही जो वेजिटेबल मार्केट की बात है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फार्मर्स है डायरेक्टली उनको कुछ एरिया दिया जाए और वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों को पूरी तरह से एक नंबर दिया जाए तो होम डिलीवरी भी हो सके। आज हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ग्रोसरी शॉप है वो कौन कौन होम डिलीवरी कर सकता है, उनका हम कॉन्टैक्ट नंबर ये कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी लोगों तक हम पहुँचाएंगे, जिसकी वजह से घर पर रहेगी कि वो फ़ोन करके वहाँ होम डिलीवरी हो जाए। इस तरह के मेजर्स प्रशासन की ओर लिए जा रहे हैं और लोगों को राहत दी जा रही है, सो दैट लोगों को घर से बाहर आने की नौबत ही न आए। और ये कालाबाजारी की कोई गुंजाइश नहीं है, हम उस पर पूरा वॉच करके रखे है। और मुझे लगता है कि देर इज नो नीड टू पैनिक एनीबडी, देर इज सफिशियंट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, सफिशियंट स्टॉक ऑफ वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन्स, सो नोबडी शुड वरी अबाउट इट एंड वी आर टेकिंग ड्यू केयर अबाउट इट।